उन्हेल में शनिवार को नगर परिषद चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का आज अंतिम दिन, अंतिम समय तक प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल करते नजर आए। कुल 15 वार्डों के लिए 93 नामांकन भरे गए। फॉर्म की जांच सोमवार को होगी तथा बुधवार को नाम वापसी के बाद समीकरण साफ दिखाई देगा। आज सुबह कांग्रेस ने भी अपने अधिकृत उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। आज अंतिम दिन 15 वार्डों के लिए 93 नाम आने से लगने लगा कि सत्ता की चाशनी कितनी मीठी होती है, जिससे हर कोई चखना चाहता है, परंतु देखना है कि कौन 15 लोग भाग्यशाली होंगे जो सत्ता की चाशनी की मिठास प्राप्त करेंगे। आज सुबह कांग्रेस की सूची जारी होते ही वार्ड क्रमांक 3 के कांग्रेस से 3 बार पार्षद रह चुके संजय शिंदे का अधिकृत सूची में दूसरे कार्यकर्ता का नाम आने पर उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अपना फॉर्म भर दिया। वैसे देखा जाए तो वार्ड क्रमांक 3 के सबसे भारी उम्मीदवार शिंदे हैं। कांग्रेस ने प्रेस क्लब अध्यक्ष दिनेश सोलंकी को वार्ड क्रमांक 2 तथा प्रेस फोरम अध्यक्ष सुनील जैन ने भी वार्ड क्रमांक 12 से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया तथा दिनेश सोलंकी ने अपनी पत्नी मंजूषा का निर्दलीय फॉर्म वार्ड 15 से भरवा कर हलचल पैदा कर दी। फॉर्म भरा, उस विषय में आप क्या कहना? यह परंपरा रही है कि पार्टी में किसी भी एक व्यक्ति को टिकट दिया जाता है और बाकी जो लोग हैं राजी नाराजी पार्टी में चलती रहती है। भारतीय जनता पार्टी के लोग, जहाँ तक कि मैं समझता हूँ, कि कुछ समय के लिए नाराज हैं, आने वाले समय में वो सभी अपना फार्म भारतीय जनता पार्टी समर्पित अधिकृत प्रत्याशी के समर्थन में अपना अपना फार्म उठाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता के लिए कार्य करेंगे। कौन से वार्ड से फार्म भरा आपने? मैंने वार्ड क्रमांक 12 से फार्म भरा है। आपने आज वार्ड क्रमांक 8 से पर्स के लिए फॉर्म डालना कैसे महसूस कर रहे हैं? मेरे को पार्टी के वरिष्ठ, जो भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष दिलीप जी मोदी है और नंदराम जी है, उनने मेरे को कल बोला कि आप फार्म डालो और चयन हो सकता है क्या, और उस पार्टी की गाइडलाइन पे ऊपर चले हम लोग और हमने पार्टी के सिंबल के ऊपर मांग करी और पार्टी से लड़ना चाहते हैं हम, और फार्म भर दिया आज। आपको क्या उम्मीद है कि मिल जाएगी टिकट? अब उनके आदेश के हिसाब से तो फार्म भरा है हमने, वो नहीं बोलते तो फार्म भरते भी नहीं हम लोग। फार्म का आज 3 बजे का टाइम आख रहे हैं, उसके बाद भी अभी तक लिस्ट जारी हो गए, उसके बाद आप नहीं, हम तो यहाँ कार्यकर्ता के साथ में ना, जो बाकी दावेदार है भाजपा के उनके साथ में, उनका कोई कागज वागज कमी पेशी हो तो इसके लिए खड़े हैं हम लोग। अगर पार्टी की तो 15 वार्डों की लिस्ट हो चुकी है। हाँ, हो चुकी ना, फिर पार्टी विचार करेगी? हाँ, 8 नंबर में विचार करना पड़ेगा उनको, क्योंकि बाकी कांग्रेस की प्रत्याशी थी वो, पिछले चुनाव में लड़ चुकी है वो, ना उसका एक दिन भी पार्टी में कोई योगदान हो तो बता दें आप। फॉर्म जमा करने के 11 तारीख से शुरुआत हुआ, अभी तक कितने फॉर्म जमा हुए? नगर परिषद उन्हेल की राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यक्रम अनुसार 11 जून 2022 से लेकर 18 जून 2022 तक 3 बजे तक तिथि और समय जो निर्धारित था, उसमें नगर परिषद उन्हेल के लिए 15 वार्डों में 93 फॉर्म हमें प्राप्त हुए हैं। निर्दलीय ये सब के अभी पूरी समय की जरूरत प्राप्त होगा, उसके बाद जानकारी दी जा सकेगी।